चंद्रपुर जिला कामगार विभाग द्वारा राजमिस्त्री तथा लेबर एवं अन्य मजदूरी करने वाले मजदूरों को पेटी और डिनर सेट वितरण करने का काम शुरू है। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में कल 7 अक्टूबर को नाट्य गृह में सैकड़ों लाभार्थियों को किट का वितरण किया गया। इसका पता चलते ही आज पूरे जिले से बड़ी तादाद में महिला पुरुष लाभार्थी नाट्य गृह के बाहर जमा हो गए। कुछ लोग सुबह 4 बजे, कुछ 6 बजे तो कुछ 9 बजे ही पहुंच गए। गेट न खुलने पर हजारों लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट खुलवाया, तब जाकर मार्ग सुचारू हो सका। इस दौरान नाट्य गृह प्रांगण में जाने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें 5 महिलाएं गिरने से घायल हुई। इसमें से एक महिला का पैर टूटने की जानकारी है। चक्कर आकर भी 6-7 महिलाओं के गिरने की खबर है। वहीं अव्यवस्था के चलते दोपहर तक वितरण की कोई व्यवस्था न होने से लाभार्थी उग्र हो गए। बिना खाए पिए परेशान मजदूरों ने नारेबाजी व हंगामा किया। 4 बजे पुलिस ने कामगार विभाग के अधिकारी को बुलाकर वितरण संबंधी घोषणा कराई, जिसके अनुसार लाभार्थियों को उनके तहसील में वितरण की व्यवस्था करने की जानकारी दी गई। बावजूद इसके बारिश रहने के बाद लाभार्थी जाने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने बल प्रयोग करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। 4:30 बजे भी महिलाएं डटी है और हंगामा जारी है। पुलिस उनको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। सुनिए क्या बताया कामगारों ने। नमस्कार, मेरा नाम उन्नति है, मैं आम्बेडकर वार्ड से हूँ। ये जो योजना दे रहे हैं, ठीक है, हम मानते भाई लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो गांव के जो लेडीज़ है वहीं पे उनको सामान देना चाहिए। हमेशा ये योजनाएं देते हैं और झगड़े, फिसाद, दंगा ये सब करवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ के लेडीज़ को बलारसा के हैं तो बलारसा के वो लोगों को बलारसा में मिलना चाहिए, गढ़चांदूर के जो लेडीज़ हैं वो उनको देना चाहिए। ऐसे पूरे लाइन में लगाते भाई लोगों को, उनको चक्कर आके गिर रहे हैं, कोई मारपीट कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। ये योजना देके क्या फ़ायदा कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। लेडीज़ों को परेशानी हो रही है, सुबह से 4 बजे से आके गेट पर बैठे थे, गेट नहीं खोले, आखिर में ट्रैफिक जाम करना पड़ा भाई लोगों को वहाँ रोड पर सो के। हाँ, कितनी दिक्कत हो रही है। तो हमारी इतनी ये है फरमाइश कि जहाँ के लेडीज़ों को वहाँ पे वो पेटी का फॉर्म जो है, जो फैसी मतलब जो प्रोसीजर करना है वहीं पे करो, और जो जो वार्ड में है वही वार्ड में ले जाके सामान पहुँचा दो, नहीं तो ये स्कीम ही बंद कर दो। हम लोग एक किचन सेट और जो पेटी दिए दिलाने का आश्वासन दिए हैं उसके लिए हम आए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग बेचारे औरतें छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, पसीने से तर बितर हो जा रहे, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। सुबह 8 बजे से लोग आए, लेकिन इनकी व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे उन्होंने पेटी फॉर्म अपने अपने एरिया में भरे थे, वैसे ही पेटी की व्यवस्था वहाँ ही दिलाने की कोशिश करें, ताकि लोगों का ऐसी परेशानी ना हो। इतनी हमारी सुधीर भाव से रिक्वेस्ट है कि ये लोगों को परेशान ना करे, थोड़ी सी लालच दिलाकर कम से कम उनकी अच्छी व्यवस्था का ख्याल रखे। लोग यहाँ गर्मी में बेचारे परेशान हो रहे हैं, बीमार गिर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी व्यवस्था अच्छे से करे, बस यही हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। रायना रोडस्थी, पोस्ट नानगाँव, बल्लारशा, चंद्रपूर जिल्हा। आम्हाला एवढीच मागणी होती की आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ह्या वाटप करायला पाहिजे होता। ह्या बायाले न्यायाचाही एक तर प्रॉब्लेम आहे, याचाही प्रॉब्लेम आहे। आमच्या गावाला कोणतं वाहन येत नाही, कोणतं गाडी येत नाही, त्याच्यानं आमचा प्रॉब्लेम आहे। आम्ही सकाळपासून येऊन ताणानं भुकेनं बाया गरमीनं कशा वाकूळ होऊ नये, त्या हे आमची एवढी मागणी आहे। तर आम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये पोचले पाहिजे गावोगावी, एवढीच मागणी। रायना रोडस्थी, पोस्ट नानगाव, बल्लारशा, चंद्रपूर जिल्हा। आम्हाला एवढीच मागणी होती की आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ह्या वाटप करायला पाहिजे होता। ह्या बायाले न्यायाचाही एक तर प्रॉब्लेम आहे, याचाही प्रॉब्लेम आहे। आमच्या गावाला कोणतं वाहन येत नाही, कोणतं गाडी येत नाही, त्याच्यानं आमचा प्रॉब्लेम आहे। आम्ही सकाळपासून येऊन ताणानं भुकेनं बाया गरमीनं कशा वाकूळ होऊ नये, त्या हे आमची एवढी मागणी आहे। तर आम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये पोचले पाहिजे गावोगावी, एवढीच मागणी। महानिवज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकूर, चंद्रपूर।